हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोस। दोस्तों, जब तक कान में चीखकर कोई बात ना बोलो ना, लोग पलट कर तक नहीं देखते। प्ले स्कूल के 16 बच्चों को अपहरण करने वाली 30 साल की टीचर नैना जायसवाल यानी कि यामी गौतम कहती हैं, बच्चों की जान के बदले वो सरकार के सामने अपने कुछ खास मांगे रखती हैं। ये घटना न केवल मुंबई पुलिस, मीडिया और शहर को हिला देती है, बल्कि पूरे देश और राजनेताओं को भी असमंजस में डाल देती है। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी, इसे 2008 में आई नीरज पांडे और वेडनेसडे से जोड़ा जा रहा था, लेकिन बता दी ये फिल्म ना उसकी सीक्वल है ना प्रीक्वल है, दोनों बिल्कुल अलग, दो अलग फिल्में। लेकिन हाँ, थर्सडे की स्टोरी आपको उस फिल्म की याद दिलाता है। डायरेक्टर ने यहाँ संवादों के जरिए कई विषयों को छुआ है, जैसे कि भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, मीडिया, महिलाएं, राजनीति। फिल्म 17 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। टीचर नैना यानी कि यामी गौतम 3 हफ्ते की छुट्टी से वापस प्ले स्कूल आई हैं। वो अपने मंगेतर रोहित मीरचंदानी यानी कि करणवीर शर्मा के घर पर ही प्ले स्कूल चलाती हैं। रोजाना की तरह वो सभी पेरेंट्स को एक विश्वास के साथ घर वापस भेजती हैं, बच्चों के साथ खेलती हैं, उन्हें पढ़ाती हैं। लेकिन जल्दी उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और जाहिर हो जाता है कि ये थर्सडे कोई आम थर्सडे नहीं होने वाला है। घर पर बच्चों के साथ अकेले, हाथों में पिस्तौल लिए वो पुलिस इंस्पेक्टर जावेद खान यानी कि अतुल कुलकर्णी को कॉल करती है और चेतावनी जारी करती है कि उसने 16 बच्चे, एक हेल्पर और एक ड्राइवर को बंधक बना लिया। यदि उसकी मांगे पूरी नहीं होती तो हर घंटे एक बच्चा अपनी जान से हाथ धोएगा। मुंबई पुलिस भारत की प्रधानमंत्री यानी कि डिंपल कंपाड़िया और नैना के बीच के इस एक दिन पर बनी थर्सडे, उसकी क्या मांगे हैं और क्या उसे पूरा किया जाता है, इस डायरेक्टर ने 2 घंटों में इसे समेटने की कोशिश की है। फिल्म स्टार्टिंग से ही एक टोन सेट कर देती है। फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है जो कि धीरे धीरे जाकर एक गंभीर प्रासंगिक मुद्दे से जुड़ती है। फिल्म में एक बहुत ही अहम बैक स्टोरी है जो डायरेक्टर विषय को लेकर संवेदनशील है, शायद इसीलिए कहीं ना कहीं फिल्म के सस्पेंस पर इमोशंस भारी पड़ता है। खासकर सेकेंड हाफ में कहानी में प्रधानमंत्री के किरदार से जुड़ा कुछ हिस्सा थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन फिल्म की कहानी इतनी बंधी हुई है कि आपको ध्यान नहीं भटकाती। 2 घंटे तक आपको ये कहानी बांधे रखेगी। नैना के रोल में यामी ने बेहतरीन काम किया। उनके चेहरे पर हर पल बदलते हाव भाव फिल्म में कम डायलॉग्स होने की भरपाई करता है। बच्चों के साथ मासूमियत से बात करते करते वो कब अपनी आंखों में एक जुनून और बर्बरता ले आती है, देखना काफी दिलचस्प होता है। डायरेक्टर ने यामी गौतम यहाँ अपने एक्सप्रेशंस के साथ खेलने को पूरा मौका देता है और एक्ट्रेस ने अपने कैरेक्टर के साथ पूरा न्याय भी किया। वही पुलिस के रोल में अतुल कुलकर्णी माइंड ब्लोइंग, वो हमेशा ही अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लेते हैं और इसमें भी सेम वही है। उनकी एक्टिंग की क्षमता से सभी वाकिफ हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने अपने किरदार में पूरी जान डाल दी। प्रेग्नेंट एसपी कैथरीन अल्वारीज के किरदार में नेहा धूपिया सराहनीय, डिंपल कपाड़िया, करणवीर शर्मा, कल्याणी मूले, सभी ने आए बहुत ही अच्छा काम किया है। बात करें फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो अगर आप एक अच्छी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखना चाहते इस वीकेंड तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, बहुत पसंद आएगी। रेटिंग की बात की जाए तो इस फिल्म को आउट ऑफ 5 3.5 स्टार मिलता है। कि आपने फिल्म देख ली, आपको कितनी पसंद आई ये फिल्म और फिल्म का कॉन्सेप्ट, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज़।